अब वोट डालने जा रहे हैं, किस तरह के नतीजे देख रहे हैं प्रदेश भर में हो रहे हैं जो चुनाव? नहीं, प्रदेश भर के नतीजे किस तरह आ रहे हैं? मुझे नहीं, इटावा वोट डालने जा रहे हैं, किस तरह यहाँ के गाड़ी? अब आप देख लेना, हम जा करके, हम भी जा रहे हैं वोट डालने। वोट डालने जा रहे हैं आप? हाँ। नेताजी भी आए हुए, उनसे मिलने जाएंगे? आप मिलो जाकर। ये थे हमारे साथ शिवपाल सिंह यादव, जो कि सैफई में वोट डालने जा रहे हैं। हालांकि वो प्रदेश भर में जो चुनाव हो रहे हैं विधान परिषद के, उसके नतीजों पर बोलने से बच रहे हैं। वहीं इटावा में जो भाजपा और सपा में टक्कर दिखाई दे रही है, उस पर भी कुछ बताने से पूरी तरह से मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। देखिए, अखिलेश से नाराजगी के बीच ये बड़ी, उनका ये जो बड़ा बयान है वो सामने आया है। वोट डालने पहुंच गए हैं और ये कह दिया है उन्होंने कि मुझे नहीं पता कौन जीतेगा। आपको बता दें, जसवंत नगर सीट से विधायक हैं शिवपाल यादव। बिल्कुल, और मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, शिवपाल यादव का ये बयान और बहुत मायने रखता है, क्योंकि नाराजगी लगातार उनकी देखने को मिली है अखिलेश यादव से। इस बीच वो मुलायम सिंह यादव से भी मिले थे, लेकिन आज जब उनसे पूछा गया कि मुलायम सिंह यादव भी यहां पर मौजूद हैं, तो उन्होंने रिपोर्टर को ये कहा कि आप जाकर मिल लीजिए। साफ तौर पर उनके चेहरे के हाव भाव से आप पढ़ सकते थे कि नाराज है वो समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से, और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव से। जब पूछा गया कि क्या होने वाला है, कौन जीतेगा, कौन आज के चुनाव में भारी पड़ने वाला है, तो उन्होंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या होने वाला है। मतदान करने के लिए पहुंचे, अब से थोड़ी देर बाद वो वोटिंग करेंगे।